नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर जगदीश शिंदे और मैं पुणे में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर में जो रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उन साइड इफ़ेक्ट्स को कम कैसे किया जाए। दोस्तों कैंसर में तीन टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी ऐसे होते हैं। तो काफ़ी बार जब रेडिएशन किया जाता है तो पेशेंट के मन में काफ़ी सवाल होते हैं या फिर डाउट्स होते हैं कि मुझे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या फिर मैं रेडिएशन थेरेपी सहन कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। तो ये सारे सवाल पेशेंट के मन में होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कैसे कंट्रोल करें या उसको कम से कम कैसे रखें। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेडिएशन थेरेपी में ऐसे कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी जो है एक लोकल ट्रीटमेंट होता है। मतलब क्या है कि हम जहाँ पर रेडिएशन देते हैं उस जगह पर ही रेडिएशन का इफेक्ट होता है। मान लीजिए कि किसी पेशेंट को गले का कैंसर है तो हम गले को रेडिएशन देते हैं और उस पेशेंट को जो साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं वो भी सिर्फ गले से रिलेटेड ही साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। अगर किसी पेशेंट का पेट का कैंसर है और हम अगर उस पेशेंट को पेट का रेडिएशन दे रहे हैं तो उस पेशेंट को पेट से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। तो ऐसे जहाँ पर हम जिस एरिया को रेडिएशन देते हैं उस एरिया से रिलेटेड पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट होने का चांस होता है। और हालांकि जो कीमोथेरेपी जो है जिसमें हम इंजेक्शन या सलाइन देते हैं वो क्या है कि वो एक सिस्टमिक ट्रीटमेंट होता है। उसमें हम जो दवाई है वो दवाई पूरा बॉडी में जाता है और पूरे बॉडी में उसका इफ़ेक्ट होता है। तो जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो सिस्टमिक होते हैं और रेडिएशन थेरेपी में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लोकल होते हैं। मतलब जहाँ पर रेडिएशन जा रहा है वहीं पर साइड इफ़ेक्ट होगा। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आपको रेडिएशन के दौरान हो सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो लोकल होते हैं, जिस एरिया में हम रेडिएशन देने वाले हैं उस एरिया से वो साइड इफ़ेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को गले का रेडिएशन चल रहा है तो जो साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें है कि पेशेंट को खाना खाने में परेशानी हो सकती है, पेशेंट को मुंह में और गले में छाले पड़ सकते हैं, खाना निगलने में तकलीफ़ हो सकती है, जो सलाइवा है वो स्टिकी बन जाता है, कभी कभी कुछ पेशेंट्स को माउथ ओपनिंग कम हो सकता है, पेशेंट हार्ड चीज़ें या फिर कड़क चीज़ें नहीं खा सकता है या फिर पेशेंट स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकता है, पेशेंट को सॉफ्ट और नॉन स्पाइसी और लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में ही खाना देना पड़ता है। जिन पेशेंट्स को मुंह का कैंसर है उनमें ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जिन पेशेंट्स को पेट का कैंसर है, सपोज सर्विक्स है या फिर कोई रेक्टम है या फिर स्टमक का कैंसर है, तो उन पेशेंट्स में कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो पेशेंट को जो रेडिएशन है वो इंटेस्टाइन को भी रेडिएशन लगेगा। अगर पेशेंट को पेट का रेडिएशन चल रहा है तो पेशेंट को नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया मतलब लूज मोशंस, भूख कम लगना, कभी कभी अगर टॉयलेट करते हो पेशेंट को पेन होना और हीमोराइड से पाइल जैसा तकलीफ होना, अगर पेशेंट का यूरिनरी ब्लैडर के पास रेडिएशन है तो पेशेंट को बर्निंग मिक्चुरेशन मतलब पेशाब करते वक्त पेशेंट को जलन महसूस होना, ये सब तकलीफ पेशेंट को हो सकता। अगर पेशेंट को छाती के एरिया में रेडिएशन चल रहा है तो पेशेंट को खाना निगलने में तकलीफ होना, अगर वो जो ट्यूमर है वो अगर इसोफेगस के पास है तो पेशेंट को खाते वक्त परेशानी हो सकती है, तो ये मेन तकलीफ है। कुछ जो साइड इफ़ेक्ट है वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जैसे कि स्किन साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि रेडिएशन जो है वो स्किन से होकर ही शरीर में जाता है। तो कहीं पर भी रेडिएशन चल रहा है तो पेशेंट को जहाँ जिस एरिया में रेडिएशन चल रहा है उस एरिया में पेशेंट को स्किन रिएक्शन आ सकता है। जैसे कि स्किन रिएक्शन में जो है मोस्ट कॉमनली होता है कि शुरू में पेशेंट को स्किन में रेडिश टिंज आ जाता है और बाद में वो ब्लैकिश कलर हो जाता है, और कुछ पेशेंट्स को स्किन पे अल्सरेशन हो सकते हैं और एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट को वेट अल्सरेशन या फिर थोड़ा डीप टिश्यू इंजरीज स्किन के भी हो सकते हैं। पर जो डीप स्किन रिएक्शन जो या सीवियर स्किन रिएक्शन है उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। पहले के ज़माने में जब कोबाल्ट मशीन हुआ करता था और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते थे उस टाइम पे स्किन रिएक्शन ज़्यादा रहते थे, पर अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आए हैं उसकी वजह से स्किन रिएक्शन काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। तो स्किन रिएक्शन आजकल ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता है। डेफिनेटली स्किन रिएक्शन किसी ना किसी फॉर्म में आएगा
पर ये मेन कंसर्न नहीं रहता है। मेन कंसर्न जो रहता है वो अंदर का जो रिएक्शन है वो रहता है। तो ये हो गए अलग अलग साइड इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन साइट ऑफ रेडिएशन कौन कौन से अपने को हो सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचा कैसे जाए, या फिर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो कम कैसे किए जाए। तो पहली जो बात है कि ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से एरिया में रेडिएशन चल रहा है। अगर आपको मुंह का रेडिएशन चल रहा है या यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ट्यूमर कहीं पर है और इस एरिया में आपको मुंह या गले के एरिया में अगर रेडिएशन चल रहा है, तो उस केस में कौन कौन से प्रिकॉशंस लें कि उससे आपका साइड इफ़ेक्ट्स कम रहे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि आपका ओरल हाइजीन जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि आपको अच्छे से टूथब्रश करना चाहिए, सोडा और सॉल्ट वाटर का गार्गलिंग ज़रूरी है, तो आपको गार्गलिंग करना ज़रूरी है। उसी के साथ अगर डॉक्टर ने बोला है कि माउथ वॉश करना है तो माउथ वॉश भी करना भी ज़रूरी है। आपको अगर मुंह में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन है या फिर और कोई इन्फेक्शन है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, तो आपको डॉक्टर एंटीफंगल या फिर एंटीबायोटिक दे सकते हैं। उसी के साथ आपको डाइट रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आपका मुंह का रेडिएशन चल रहा है तो आपको मुंह में छाले गिर सकते हैं, तो आपको हॉट स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, आपको सॉफ्ट और नॉन स्पाइसी खाना खाना चाहिए, आपको ज़्यादातर लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म में खाना लेना ज़रूरी है, आपको एडिक्वेट फॉर्म में वाटर इंटेक भी लेना ज़रूरी है क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन होने का चांसेस भी होता है। तो ये सब प्रिकॉशन लेनी चाहिए। मेरा एक हेड एंड नेक कैंसर में कौन कौन सी प्रिकॉशन लेना है उसका एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ। उसमें मैंने डिटेल में हेड एंड नेक कैंसर में कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर किसी पेशेंट को पेट का रेडिएशन चल रहा है तो कौन कौन से प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। अगर पेट का रेडिएशन चल रहा है तो मेन जो साइड इफ़ेक्ट रहने वाले वो इंटेस्टाइन रिलेटेड रहते हैं, तो हमेशा पेशेंट को अपने डाइट पे ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को स्पाइसी या हॉट फूड नहीं लेना है, मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, डाइट हमेशा सॉफ्ट और लिक्विड फॉर्म में लेना चाहिए, कोई भी इरिटेंट फूड नहीं लेना चाहिए, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करने चाहिए, चाय कॉफ़ी ये भी पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर जो खाना है वो सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में लेना अच्छा है। उसी के साथ पेशेंट को दिन में कम से कम 2 या 3 लीटर पानी लेके बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। अगर किसी पेशेंट को छाती के एरिया में रेडिएशन है, फूड पाइप या फिर वहाँ पर अगर कोई बीमारी है, तो पेशेंट को लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में खाना लेना ज़रूरी है। कोई भी स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, हॉट खाना नहीं खाना चाहिए, गर्म चाय गर्म कॉफ़ी ये भी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कुछ कॉमन प्रिकॉशंस होते हैं जैसे कि स्किन केयर, तो स्किन केयर कौन कौन सा लेना चाहिए। स्किन केयर के बारे में मेरा एक फुल वीडियो है कि स्किन केयर कैंसर में कैसे लेना है, उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। तो स्किन केयर में क्या है कि जिस एरिया में आपका रेडिएशन चल रहा है तो उस एरिया में आपको कोई भी प्रकार का कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करना है, जैसे कि आपको नहाते वक्त सोप नहीं यूज़ करना है, कोई प्रकार का क्रीम पाउडर तेल डिओड्रेंट परफ्यूम या आपको जहाँ पर रेडिएशन चल रहा है उस एरिया में यूज़ नहीं करना है। अब जो आपको जो कपड़े हैं वो कपड़े लूज और कॉटन के कपड़े पहनने हैं, कोई भी चुभने वाले कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि अगर कपड़े का फ्रिक्शन हो जाता है तो फ्रिक्शन से वहाँ पर स्किन रिएक्शन बढ़ सकता है। रेडिएशन के एरिया में आपको स्क्रैचिंग नहीं करना है, खुजाना नहीं है। अगर आपको वहाँ पर स्क्रैचिंग हो रहा है तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, तो आपको एडिक्वेट मेडिसिन वो दे देंगे। उसी के साथ आपको अगर स्किन के एक्सपोज पार्ट पे अगर रेडिएशन चल रहा है, जैसे कि चेहरे पे रेडिएशन चल रहा है, तो आपको धूप में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि उससे स्किन रिएक्शन बढ़ सकता है। तो ये सब स्किन के प्रिकॉशंस भी आपको लेना ज़रूरी है। तीसरा जो चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि जो साइड इफ़ेक्ट कम करने के लिए किया जाता है वो है कि रेडिएशन का टेक्निक। अगर अच्छे टेक्निक से रेडिएशन करते हैं, जैसे कि IMRT टेक्निक है, IGRT टेक्निक है, VMAT है, तो जो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ रेडिएशन है वो अगर करते हैं तो काफ़ी हद तक अपने जो रेडिएशन रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम हो सकते हैं। तो आपको आपके जो डॉक्टर हैं उनसे इसके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। अगर ये सब प्रिकॉशंस आप लेते हैं तो आपको रेडिएशन रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। आपको रेडिएशन थेरेपी के बारे में कोई भी और डाउट है या फिर मुझसे कंसल्ट करना है, तो आपको मैं कंसल्टेशन का लिंक
शेयर कर देता हूँ। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा ओपीडी पुणे में है, आप मुझे पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको क्लिनिक का एड्रेस भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच।